आप हैं गवर्नमेंट हाउस मरी में। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो झूठा मुगलिया खानदान था, जो जदी कुश्ती अमीर थे, उन्होंने किस तरीके से अवाम का पैसा लूटा, ऐसी बिल्डिंग्स में लगाया जिनमें वो खुद रहते थे। ये एक जगह जिसमें 60 करोड़ रुपए तकरीबन और उससे भी ज़्यादा पैसे यहाँ लगाए गए, और यहाँ पर वली अहद हमजा और बहुत सारे दूसरे जो उनके पनाह गजीन किस्म के तबलीगी थे वो यहाँ पे क्याम करते थे और ख़ुद भी खादम आला। तो ये है वो जगह जहाँ पर खादम आला करते थे। आइए जी, ये जी ड्राइंग रूम जहाँ बैठ के भावताव किया जाता था, जहाँ पे जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाते थे, जब लोगों की खरीदो फरोख्त होती थी, तो इन जगहों पे ला के उन्हें बिठा के इस आवाम के पैसे की शान और शौकत पे ज़रा थोड़ी सी रूफ देखिए, शैंडलियर्स देखिए, फर्नीचर देखिए, ये आवाम के पैसे का खरीदा हुआ है, कार्पेट्स देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर होती थी। अभी हम आपको दूसरे कमरे में लेके चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या था। यहाँ का डाइनिंग रूम है, क्योंकि खाबे तो खाने थे, हम ग्वाल मंडी से आए तो डाइनिंग रूम छोटा तो हो नहीं सकता था, तो ये खाबा खाने की जगह थी। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा आवाम का पैसा था तो नज़ाकत आ ही जाती है जब खुदा हुस्न देता है, तो नज़ाकत भी आ गई। किसी को हायर किया गया जिसने ये सब डेकोरेट करके दिया गया, और मैंने आपको जैसे बताया कि 60 करोड़ से ज़्यादा इसकी सिर्फ रेनोवेशन पे लगे, बनाने पे नहीं लगे, सिर्फ रेनोवेशन पे, क्योंकि बना तो ये 1954 का है ये, लेकिन 60 करोड़ रुपए रेनोवेशन पे, क्योंकि वली है और दूसरे लोगों ने यहाँ पर रहना होगा। तमाम आपको पता है अपने घरों में अब जौक तो नहीं आ सकता ना, आप देखिए कि इतनी थोड़ी सी जगह पे कितने शोपीस रखे गए हैं। ये शायद इनके उन कारिंदों ने इतने ज़्यादा लेके रखे होंगे ताकि वो भी पैसे बना सके, हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, या शायद अपना ही टेस्ट इतना पुअर है, मैं ये कह नहीं सकता। ये जी कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे बैठ के मीटिंग्स की जाती थी। ये आपको बताते हैं पता नहीं किस चीज़ की मीटिंग्स होती थी। मुल्क तो 6,000 से 30,000 रुपये के कर्जे के अंदर छोड़ के जाया गया। तो ये है वो आपके सामने लविश जगह जहाँ पर बैठ के आपको वो चेहरे भी याद होंगे, आपको राना सनाउल्ला और आपको बहुत सारे दूसरे चेहरे भी याद होंगे, और आप अपने स्मीटिंग हॉल को भी देखिए और फिर उन बातों को सोचिए जो होती होंगी यहाँ पर। अब आइए आपको बताइए कि आराम कहाँ पर करवाते थे। ये बेडरूम्स हैं, तमाम की तमाम आवाम के पैसे से रहने वाली हैं। याद आते होंगे मुगल बादशाह, ये सब कुछ देख के ये तमाम जो रेनोवेशन हुई है, बाग का माल था जो कि लगा दिया गया। ये जरा देखिएगा, अब आप ऊपर आप स्टेयर लेके चलते हैं। मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश थी इसको यहाँ पे प्लेस करवाना। सो मैं बार बार याद करवा रहा हूँ, ये आपके पैसे से है, ये आवाम का पैसा था जिससे ये सारी लग्जरी जो है आपको कोशिश करते हैं एक आध बाथरूम दिखा सके। यहाँ माहौल होता क्या था जब बादशाह सलामत आते थे, अब तो अवामी लोग हैं।
सिफारिश की है। तो ये होता था माहौल यहाँ पे जब बादशाह सलामत आते तबले बज रहे होते थे, मुझे ये नहीं पता कनीज़ें भाग दौड़ रही होती थी यहाँ की यहाँ के नहीं, लेकिन तबले जरूर बज रहे होते थे जब शहबाज शरीफ साहब हमदा शहबाज साहब बजा के रखिए ताकि आवाम को पता चले कैसे बजाया इन्होंने, हमें तबला बजा के रखिए आवाम को पता चले इन्होंने हमारे माल पे कैसे तबला बजाया। शहनशाह आजम के जो वली अहद थे उनका बेडरूम था, ये देखिए जरा वली अहद के बेडरूम का हाल, और ये आवाम के पैसे से, अगर अपने पैसे से बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्नीचर देखिए और ये टेबल है जहां पे बैठ के मुझे नहीं पता किस किस सौदे के साइन होते थे, ये जरा बेड देखिएगा, ये जो पीछे वॉल पेपर है, लाइटिंग है, तमाम चीजें बाथरूम है नहीं, ये आपके लिए भाई आई थी आवाम को दिखाइए, बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा बाथरूम नहीं देखा होगा, आगे भी आ जाइए।